नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के अपने YouTube चैनल ग्रो वेल्थ टेक्निकली पर। दोस्तों, सर्वप्रथम मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को विजयदशमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। भगवान से विनती करूँगा कि भगवान आप सबको और आपके परिवार को हमेशा सदा सुखी रखे, हर वो खुशियाँ दे और आप ट्रेडिंग में भर भर के पैसे कमाओ। तो चलिए दोस्तों, हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का कंसेप्ट है गलती। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्रेडिंग में कौन सी वो गलती करते हैं जिससे हमारे बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं और हम नर्वस हो जाते हैं। दोस्तों, ये गलती है फेक ब्रेकआउट। हम अक्सर फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं और हमारा बड़ा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसमें क्या होता है, स्टॉक किसी भी ट्रेंड में हो सकता है, चाहे तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, हम दोनों ही ट्रेंड में इस गलती को कर बैठते हैं और हमारा अच्छा खासा लॉस हो जाता है। दोस्तों, अभी वो गलती क्या है, दोस्तों ये देखिए, ये जैसे ये आपका स्टॉक ये अप ट्रेंड में है, ये इस तरह से स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, स्टॉक हमेशा नया हायर हाइज बनाता जाता है। ये देखिए, यह हायर हाइज बनाया, ये दूसरा हायर हाइज बनाया और हर बार लोअर लोज बनाता है। ये देखिए, ये पहला लोअर लो, ये दूसरा लोअर लो, और ये जो दूसरा लोअर लो होता है ये पहले लोअर लो को तोड़ता नहीं है। दोस्तों ये देखिए, ये इसके ऊपर ही है, ये पहला हायर है, ये दूसरा हायर हाइज इसके ऊपर ही है और ये तीसरा हायर हाइज। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली कर ली, यहाँ से मार्केट थोड़ी देर के लिए रेंज बाउंड हो जाता है। दोस्तों ये देखिए, इस तरह से कुछ समय के लिए मार्केट एक एरिया में घूमता रहता है। हम दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, दो ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह हम यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। और ट्रेंड लाइन के बारे में दोस्तों हमको सिर्फ इतना ही पता होता है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जिस दिशा में होगा, यदि अपसाइड में होगा तो हम बाय करेंगे और यदि डाउन साइड में हुआ तो हम सेल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपका ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाता है, इसे हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं दोस्तों। और ये ब्रेकआउट दोस्तों इतने ज़ोर से होता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे भाग जाएगा और हम दोस्तों क्या करते हैं, मार्केट को चेस करने लगते हैं और हम मार्केट को यहाँ पर सेल कर देते हैं दोस्तों। और जब हम मार्केट को यहाँ पर सेल करते हैं तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे थोड़ी देर रह के ऊपर भाग जाता है और अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लेता है दोस्तों, और यहाँ पे हम फंस जाते हैं और हमारा बड़ा लॉस होता है। तो पहली बात दोस्तों, हमें ये याद रखना है कि कभी भी अप ट्रेंड, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें मार्केट में हमेशा बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में तो हमेशा मार्केट में सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो सबसे पहली गलती दोस्तों, यहाँ पे मार्केट हमारा अप ट्रेंड में था, हमने मार्केट को सेल कर लिया। और दूसरी गलती है कि हमने मार्केट को चेस करने की कोशिश की और हमारा बड़ा लॉस हो गया। सेम दोस्तों डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट हर बार नया लोअर लोज बना दे जाता है। ये देखिए, ये लोअर लो। अभी इतनी बड़ी रैली होने के बाद में दोस्तों मार्केट एक रेंज बाउंड एरिया में घूमता रहता है, और सेम गलती हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से, और अभी इंतज़ार करते हैं इस लाइन के ब्रेकआउट का, जिस दिशा में हमारा ब्रेकआउट होगा हम वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मार्केट ऊपर की दिशा में ब्रेकआउट करता है, इस तरह से हमें अभी लगने लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा और यहाँ पर हम हमारी एंट्री कर लेते हैं और यहाँ से मार्केट जस्ट रिवर्स हो जाता है इस तरह से, और मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने लगता है दोस्तों, और यहाँ पे फिर से हम फंस जाते हैं और हमारा बड़ा लॉस हो जाता है। तो इस तरह की गलती हमें मार्केट में कभी नहीं करना है दोस्तों। याद रखना, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमेशा मार्केट को बाय कीजिए, और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमेशा मार्केट को सेल कीजिए। मार्केट को बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, मैंने अपने दो वीडियो बना के रखे दोस्तों, आप उन दो वीडियो को देख के सीख जाओगे कि मार्केट को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में किस तरह से ट्रेडिंग करना है। तो
अभी जो मैंने आपको बताया फेक ब्रेकआउट किस तरह से हम फंस जाते हैं और किस तरह से हमारा लॉस हो जाता है, तो मैं आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मार्केट अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, देख सकते हो। ये देखिए, ये मार्केट यहाँ से हर बार नया हाई राइज बनाता जा रहा है। ये देखिए, ये पहला हाई, ये दूसरा हाई, और यहाँ से भी मार्केट अप ट्रेंड में था। तो इतनी अच्छी रैली होने के बाद में दोस्तों, ये मार्केट यहाँ पे ये देखिए, ये कंसोलिडेट हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, दो ट्रेंड लाइन खींच ली, ये देखिए ऑलरेडी खींची हुई है। हाँ, सेम चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में फेक ब्रेकआउट हुआ। ये देखिए, ये फेक ब्रेकआउट में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंटर हो जाते हैं और यहाँ से मार्केट नीचे आया। कई लोग तो ये नीचे एकदम बिल्कुल नीचे इंटर होते हैं और मार्केट यहाँ से देखिए किस तरह से रिवर्स हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ से मार्केट ने अपनी रैली कंटिन्यू कर ली। तो इस तरह से दोस्तों, आपने भी बहुत सारा लॉस किया होगा इस तरह के फेक ब्रेकआउट में। तो आपको इस तरह के फेक ब्रेकआउट में कभी फंसना नहीं है। यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, ये देखिए ये फेक ब्रेकआउट है, ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो यदि इस तरह नीचे के साइड में ब्रेकआउट होता है तो आपको कभी इंटर नहीं करना है। आपको मार्केट में हमेशा बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अप ट्रेंड में। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको हमेशा मार्केट में सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा कंसेप्ट यही था कि किस तरह से हम फेक ब्रेकआउट से बचे और हमारा लॉस को अवॉइड कर सके। दोस्तों कहना चाहूँगा, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।